आपका बिजनेस या फिर आपके यूट्यूब चैनल का लोगो ही आपकी पहचान होता है। ऐसे में जो नए क्रिएटर्स होते हैं वो कई ऑनलाइन वेबसाइट से जहां पर पैड लोगो मिलते हैं वो वहां से बनवा लेते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें फ्री में लोगोस मिल जाएं या हम फ्री में लोगो बना लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्री में लोगो बना सकती हैं और वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल लोगो की तरह ही। तो दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर हुसैन चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए आपको आ जाना है अपने प्ले स्टोर में और यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्च बॉक्स में पिक्सआर्ट। जैसे ही आप पिक्सआर्ट टाइप करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहली ऐप देखने को मिल जाएगी। सिंपली आपको यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन पे करना है क्लिक। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये ऐप यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको प्लस के साइन पे करना है क्लिक और आपको यहाँ पर डाउन जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे कलर बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी एक कलर को ले लेना है। मैं यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे टूल्स है, इफेक्ट्स है और यहाँ पे ब्यूटी है, स्टिकर है और भी कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आते हैं हम टेस्ट पर और यहाँ पर आपको टाइप करना है TH। जैसे मेरा टेक हेल्पर हुसैन चैनल है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको राइट पे क्लिक। देन राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको किसी भी एक फॉन्ट को जो है क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है और किसी भी एक फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख लिए। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ऊपर। देन यहाँ पे आप इसका कलर भी चूज कर सकती हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी कलर जो है वो यहाँ पे चूज कर सकती हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको सभी कलर्स जो हैं मिल जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप यहाँ पर इसको स्ट्रोक भी कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है प्लस का साइन। मैं दोबारा से इस पे कर देता हूँ टैग पे क्लिक। देन आपको यहाँ पे करना है टैग हेल्पर हुसैन, जो भी आपके चैनल का नाम है या फिर बिजनेस का या ब्रांड का नाम है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको थोड़ा जो है साइज को उसको बढ़ा देता हूँ। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ जाता है टैग हेल्पर हुसैन और यहाँ से आप जो है इसका भी जो फॉन्ट है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर। देन यहाँ पे देखिए, इसका जो है मैं कलर कर देता हूँ वाइट ही। और यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका ये एक लोगो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ पे करना है राइट पे क्लिक। राइट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको ये सर्किल फॉर्म में लेना है तो यहाँ पे आपको आना है टूल्स पर और टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है शेप क्रॉप। शेप क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपको सर्किल पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आप इसके साइज को घटाया बढ़ा सकती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, उसको सेंटर में ले लिया है और यहाँ पर आपको कर देना है राइट पे क्लिक। देन यहाँ पे आप जो है इस पे ये जो है अंडरलाइन कर सकते हैं वाइट वाली। तो यहाँ पे आप वाइट की जगह और भी कुछ भी अंडरलाइन देखिए यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये भी अंडरलाइन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं ये 2% कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये आपका स्टिकर जो है सेव हो गया है। आपको फिर आना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको हटाना है। देन सेव पे क्लिक करना है। देन गैलरी पे क्लिक करना है और ये आपका लोगो बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद एक बार फिर से हम देख लेते हैं यहाँ से आप
आपको आना है डाउन और यहाँ से आपको कोई भी एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर कई बैकग्राउंड्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट। एंड उसके बाद आपको आना है टेस्ट पर। टेस्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पे जो है डालना है अपने चैनल का नाम, जो भी आपका चैनल हो। मैं यहाँ पे जो है इस चैनल का नाम यहाँ पे जो है अपने का डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से वही फॉन्ट जो है सिलेक्ट करने हैं, जो भी आपको पसंद हो वो फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं और कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से ले सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए कई फॉन्ट्स जो है आ रहे हैं। यहाँ से मैं इस फॉन्ट को जो है देखिए यहाँ पे फॉन्ट है, मैं उस फॉन्ट को यहाँ से कर लेता हूँ क्लिक। ये फॉन्ट देखिए मोनोसन, ये वाला फॉन्ट मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ यहाँ पे जूम, देन इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रोक भी कर सकती हैं और ये स्ट्रोक आप किसी भी कलर का कर सकती हैं। जैसे अगर मुझे इस नीले कलर का स्ट्रोक करना है तो नीले का कर सकता हूँ, या फिर येलो कलर का करना है तो येलो कलर का भी स्ट्रोक मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं करता हूँ ये वाला स्ट्रोक, देन इसके साइज को मैं कर देता हूँ कम, ये कर देता हूँ मैं यहाँ पे 8%। देन यहाँ पर ऊपर आपको एक प्लस का साइन मिलता है, यहाँ पे आपको आना है टेस्ट पर। देन आपको अपने चैनल का फुल नेम, अपने ब्रांड का फुल नेम या फिर अपनी वेबसाइट का फुल नेम यहाँ पे आपको टाइप करना होता है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपने जो चैनल का फुल नेम है वह यहाँ पे टाइप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में मैं कर देता हूँ क्लिक। एंड उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये जो मेरा चैनल है, मैंने उस चैनल का नाम यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे देखिए टाइप करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पे फिर इसके जो फॉन्ट्स हैं वो आप यहाँ पे जो है चेंज कर सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे फॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जो आप यहाँ पे जो है चेंज कर सकती हैं। देखिए ये फॉन्ट, देखिए ये फॉन्ट मैं यहाँ पे ले आता हूँ, देन इसको कर देता हूँ थोड़ा ऊपर। और ये देखिए यहाँ पे ये मैंने कर लिया है पूरा हुसैन हेल्थ केयर। देन यहाँ से आप इस ही फॉन्ट को दोबारा से भी जो है चेंज कर सकती हैं। बहुत सारे फॉन्ट आपको आसानी से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपने लोगो में यूज कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए ये आ रहा है हुसैन हेल्थ केयर, या फिर आप और भी जो फॉन्ट्स हैं उनका यूज कर सकती हैं। फिलहाल मैं इसी फॉन्ट का यूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसको थोड़ा डाउन कर देना है और राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद आपको आना है शेप में, उसमें जाने के बाद शेप ब्लॉक में, देन आपको आना है सर्किल पर और यहाँ से आप इसके साइज को जो छोटा या फिर बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। देन उसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड पे जो है कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद फिर वही ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेव पे क्लिक और ये स्टिकर हमारा सेव हो चुका है। आसानी से आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इस पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो लोगो जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये पहला लोगो है, देन यहाँ पे ये देखिए दूसरा लोगो भी यहाँ पे टैग हेल्पर हुसैन का बनकर तैयार हो गया है। इन लोगों को आप अपने यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी बिजनेस लोगो के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे वाला बटन दबाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।